एकोस्टिक एकोस्टिक न्यूरोमा को वेस्टिबुलर सोनोमा भी कहा जाता है यह एर्थ नर्व का ट्यूमर होता है यूजली यूनिलेटरल होता है कभी कभी बाइलेट्रल भी हो सकता है जैसे कि न्यूरोफाइब्रोमेटेसिस टाइप टू में इंसिडेंस की बात की जाए तो आल सी एंगल के जो भी ट्यूमर होते हैं ना उसमें 80 परसेंट एकोस्टिक न्यूरोमा होता है पैथोलॉजी की बात की जाए तो यह बिनाइन ट्यूमर होता है ध्यान रखें बिनाइन ट्यूमर है इनकेप्सुलेटेड और एक्सट्रीमली ग्रोइंग ट्यूमर होता है माइक्रोस्कोपी की बात की जाए तो इसमें इलोंगेटेड स्पिंडल सेल होती है जिसमें रॉड सेप का न्यूक्लियस पाया जाता है सेल की बात की जाए तो दो प्रकार की सेल होती है एंटोनी ए होती है एंटोनो बी होती है एंटोनी ए सेल डेंस होती है एंटीनो बी सेल एंटी एं, लू ओरिजन की बात की ओरिजन की बात की जाए तो शॉन सेल ऑफ द कहाँ से जैसे कि हम देखेंगे मोस्ट कॉमन ये इंफीरियर वेजटिबुलर नफ्सराइज होता है कभी कभी सुपीरियर वेस्टिबुलर वेजिबुलर से और रेयरली कोकलियन सेराइज होता है ग्रोथ की बात की जाए तो भाई ये एर्थनप का ट्यूमर है इंटरनल एक्स्टिक केनाल से ये सीपी एंगल में ग्रो करेगा फिर उधर से एंटीरियर सुपीरियर जाएगा तो पाँचवीं और छठी नव को डैमेज करेगा अगर इन्फीरियर जाएगा तो नाइन्थ टेंथ तो और एलेवेंथ को डैमेज करेगा और फिर ब्रेन स्टेम में भी जा सकता है ये क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो इंट्रा केनालिकुलर होता है वो इंट्रा केनालिकुलर होता है मतलब केनालिकुलर के अंदर ही है अगर स्मॉल साइज़ का होता है अब थोड़ा सा बड़ा होना चालू होता है तो स्मॉल साइज का होता है तो लेस देन अगर डेढ़ सेंटीमीटर है तो वो स्मॉल साइज़ है और अगर मीडियम साइज का डेढ़ से चार सेंटीमीटर और लार्ज साइज का मोर देन चार सेंटीमीटर क्लिनिकल फीचर की बात की जाए तो 40 से 60 परसेंट सिक्सटी ईयर के लोग हैं ना वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं क्या क्या क्लिनिकल फीचर मिलेंगे एस एन एच एल मिलेगा कैसा वाला स्लो और प्रोग्रेसिव होता है और मोस्ट कॉमन यही होता है बेटी को भी मिलेगा टिनिटस भी मिलेगा डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग स्पीच अब कैनियल नफ का इन्वॉल्वमेंट था जैसे कि अगर पाँचवीं नफ का इन्वॉल्वमेंट था ना तो क्या करता था डिक्रीज हो जाता था कॉर्नियल सेंसिटिविटी और फेर फेरासिस हो जाती थी सेवन नफ में क्या होता है हिजेलवर्स मिलता है हिट जेल वर्क साइन मिलता है मतलब कि हाइपो एनेस्थीसिया ऑफ द मेस्ट पोस्टियोसुपीशिया बॉल नाइन्थ और टेंथ नाप का जब इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो नाइन्थ नाप से डिस्पेजिया जिया टेंथ नाप से हॉर्सनेस मिलेगी ब्रेन स्ट्रेन में जब इन्वॉलमेंट हो जाता है तो पर्सन को अटैक्स या वीकनेस ऑफ द आर्म और लेग लगेगी इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए तो ऑडियोमेट्री करेंगे तो एस मिलेगा रेडियोलॉजी करेंगे तो एम करेंगे हम विद गिजियम कॉन्ट्रास्ट के साथ सी स्कैन और एक्सरे भी करेंगे ठीक है इस स्टेपीडियल रिस्प्लेक्स टेस्ट करते हैं वेस्टिबुलर टेस्ट करते हैं न्यूरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं बेरा करते हैं बेरा में क्या था मोर देन अगर पॉइंट टू मिली सेकेंड डिले हो रहा है बिटवीन टू ईयर सिग्निफिकेंट है ट्रीटमेंट की बात की जाए तो अगर लार्ज ट्यूमर है तो आपको सर्जिकल एक्सीजन करना पड़ेगा कैसे करोगे दो प्रकार से करोगे अगर पर्सन की हेयरिंग अभी है मतलब पर्सन सुन पा रहा है अभी हेयरिंग अगर प्रेजेंट है तो आपको मिडिल केर्नियर फोसा वाली अप्रोच से जाना पड़ेगा और अगर हेयरिंग अपसेंट है तो जाओ ट्रांसलेवरेंट था अप्रोच से इसके साथ साथ सब हॉस्पिटल अप्रोच भी होता था लेकिन अभी यूज नहीं करते स्मॉल ट्यूमर की बात की जाए तो अगर ओल्ड पेशेंट है और धीरे धीरे स्लो ग्रोइंग ट्यूमर है तो अपने को क्या करना पड़ेगा सीरियल एम कराते रहो आपको एवरी छे मंथ में अगर यंग पेशेंट है और बहुत फास्ट ग्रोइंग ट्यूमर है तो आपको गामा नाइफ एक्सीजन करना पड़ेगा तो ये हमने देख लिया न्यूरोमा थैंक यू